भी सका क्लासेस, आज मैं आपको यम्मी सी टेस्टी सी बेसन मिर्ची सिखाने वाली हूँ। इसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे हल्दी, नमक, राई, सोप, तेल, बेसन, पीसी हुई राई, मैंने नॉर्मली राई को मिक्सर ग्राइंडर में बड़ा बड़ा पीस लिया है, और यहाँ पे बेसन मिर्ची ली है। ये जो बेसन की अलग से मिर्ची आती है आप देख सकते हो कैसी है, अगर आपको ये नहीं मिले तो आप दूसरी मिर्ची भी ले सकते हो जो मार्केट में मिलती है, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ी सी वो इतनी झाड़ी तो होनी ही चाहिए। अब इसे बनाने के लिए हम विधि देख लीजिए, मैं कट करेंगे ये देखिए ऐसे। अब हम एक चम्मच के सहायता से हमारे ये बीज निकाल देंगे, आपको सब बीज निकाल देना है। इससे ये होगा कि आपकी ये जो सब्जी है वो ज्यादा स्पाइसी नहीं बनेगी, नॉर्मली रहेगा। ऐसे पूरा बीज सबके निकाल देंगे हम। अभी ये देख सकते हो गाइस कैसे साफ हो, एकदम क्लीन कर दिया मैंने। ऐसे हम बाकी सब भी कर देंगे, चलो करेंगे। इसमें तेल रखेंगे, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल लिया हुआ है, इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें सोप डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1 चम्मच ले रही हूँ। फ्लेम हमेशा स्लो रखिए। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे, मैंने 1 कप बेसन लिया, ये नियर बाय मैं 4 से 5 जन के लिए बना रही हूँ, और इसको स्लो आंच पे ही सेकेंगे अच्छे से, एकदम अच्छे से ये सेक जाना चाहिए। ये देखिए अब तेल और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए, इसको स्लो आंच पे ही होने चाहिए, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा ब्राउन कलर ना आ जाए इसमें। देख सकते हो एकदम लाइट ब्राउन कलर होने आया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल देंगे तो ठंडा होने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें सामान डाल देंगे। सबसे पहले हल्दी डाल रही हूँ, पीसी हुई राई डालेंगे, अभी मैंने 1 चम्मच राई ली हुई है। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, इसको सभी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए एक बार। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सोप और राई दोनों ही बहुत टेस्टी लगता है। मैंने यहाँ पे पीसी हुई राई देखा, मैंने आपको बता दिया है कि राई कैसे पीसनी है आपको, और ये बहुत टेस्टी बनता है, आप भी ट्राई कीजिए। आप देख सकते हो कैसा बैटर हो गया, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने एकदम टाइट है ना, एकदम मैंने पतला बना दिया, नॉर्मल ही बैटर है। अब हमारी मिर्ची में फिल कर देंगे, ये देखिए ऐसे, ये हम ऐसे नॉर्मल, ज्यादा भी फिल मत कीजिए, नॉर्मली आपको फिल करना है। ऐसे ही हम बाकी सब भी रेडी कर देंगे। मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए बस, हम बाकी सब भी फिल कर देंगे। ये आप देख सकते हो मैंने सब मिर्ची को फिल कर दिए है। अब हम कढ़ाई गरम करने के लिए रख देंगे। ये थोड़ा सा बैटर मैंने रहने दिए है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब तेल रखेंगे, 2 से 3 चम्मच हम तेल लेंगे, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम राई डालेंगे, मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून लिया हुआ है। अब हमारे इसमें एक एक करके मिर्ची डाल देंगे। अब हमारा जो बैटर बच गया था वो भी उसके साइड से डाल देंगे अच्छे से, ये देखिए अच्छे। जब तक ये बन रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी सभी अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को बताइए इस वीडियो के बारे में, मेरे चैनल के बारे में। कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा है। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हुए हो, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, हमेशा आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हर नए वीडियोज़ के लिए। इसको भी हम ढक लेंगे और 2 मिनट के बाद हम वापस आके इसको चेक करेंगे। 1 मिनट हो गया, अब हम एक बार चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हो, अब हम इसको पलटी कर देंगे, बोलो बोलो चेंज कर देंगे हम इसको भी धीरे धीरे करके। ये देखिए कितने अच्छे से एक साइड से क्रंची हो गए हैं, अब दूसरे साइड से भी हम क्रंची कर देंगे अच्छे से। अब ये जो बेसन देख रहे होंगे ये बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए साइड में, ये क्रंचीनेस। यहाँ देखो मैंने पूरा चेंज कर दिया, इसको वापस हम 2 से 5 मिनट के लिए होने देंगे, और ये बहुत जल्दी बनती है सब्जी ये। हम रख देंगे अभी 2 मिनट के लिए ढक के वापस, एक बार चेक कर लेंगे। देख सकते हो दोनों साइड से भी थोड़े थोड़े होने आई है, इसको वापस 2 से 3 मिनट के लिए होने देंगे। 3 मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी बन गई है,
अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए यमी सी बेसन मिर्ची रेडी है। आप ये नॉर्मली रोटी के साथ किसी के भी साथ खा सकते हो, ये बहुत टेस्टी लगती है। ट्राई कीजिए एक बार बना के और सभी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को खिलाइए। और ये आप रास्ते में कहाँ पे भी आप जा रहे हो या बच्चों को टिफिन में या किसी में भी आप दे सकते हो ये। बाय फ्रेंड्स, मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी वापस कुछ नए रेसिपीज के साथ, नए वीडियोज के साथ।